मॉर्निंग स्ट्रेंथ। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बोरन एंड इट्स कंपाउंड। कुछ हम लोग छोटा मोटा बातें थोड़ा सा टॉक करते हैं आपके साथ। और प्लस जब मैं नाइट्रोजन आपको समझा रहा था तो मैंने कुछ मेडिकल कंडीशन बताया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं और आप भी बनेंगे डॉक्टर तो आप भी फेस करेंगे। ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल आप फेस करते हैं। एक आज फिर मैं इंसिडेंट सुना रहा हूँ मेडिकल फील्ड से, बहुत कॉमन है। ये तो है एक कॉमन केस स्टडी है और हर फील्ड में आप हर फील्ड क्या लाइफ में हर स्टेप पे आपको ये सब चीज़ें फील करना, मतलब प्रॉब्लम आता है उसको कैसे हैंडल करना होता है वो चीज़ें। जैसे मैं आपको पहले बताया कि मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हो गया। घर में बहुत सारे, उसकी मिसेज भी डॉक्टर है, मेरी मिसेज भी इंजीनियर है, तो सब बहुत सारा घर में डॉक्टर इंजीनियर है। तो जो दिल के बहुत क्लोज है वो मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मेरे रूम में रहा हुआ है, तो मेरा भाई ही है, बैठ के बातें करते हैं कई बार। तो थर्ड ईयर में मैं था तब मैं उसको अपने कॉलेज में अपने साथ ही ले गया था। थर्ड ईयर में उसका कंप्लीट हुआ था, मतलब उस समय जब मैं गया कॉलेज में तो मैं 12 प्लस, 2 साल उससे बड़ा था, तो वो 10th में था। तो 2 साल मेरे साथ रहा, 11th 12th भी किया। और थर्ड ईयर में जब मैं था तो उस समय उसका एकदम मेडिकल कंप्लीट हुआ, तो बातें करते रहते थे कॉलेज में, जो बातें होता था रूम पे आके उससे शेयर करता था मैं। मेरे साथ ही, मैं बताया था कि मेरे साथ ही रूम में ही रहता था, दिन भर रूम में सेल्फ स्टडी करना, रात को अपने रूम में चला जाता था। हॉस्टल में अलाउ रहता था कि आप रख सकते हैं दिन भर अपने ब्रदर को, और भी लोग और भी फ्रेंड मेरे रखते थे अपने छोटे भाई को, और सब लोग अच्छा किए। इतना अच्छा आईआईटी का माहौल होता है ना, इतना अच्छा स्टडी पूरा रहता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, सब लोग पढ़ता है, तो उसमें नए बच्चे भी आए तो वो लोग भी, भाई है छोटा या दूसरे का भाई है, दिन भर पढ़ रहा है रूम में, रूम खुला है पढ़ रहा है, रात को अपना सोने के लिए अपने रूम में चला जाता था, दूसरा उसका बाहर कैंपस के बाहर रूम रहता था। तो थर्ड ईयर में हम लोग का थर्ड ईयर जब पूरा होने लगा था, थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में बहुत सारा केस स्टडी हम लोग के सर आते थे, और अब जॉब के लिए जो होता था कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू की बातें बताया जाता था, जीडी होता था, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, प्रेजेंटेशन होता था, और बहुत होता था उसमें, बहुत सारे केस स्टडी जो था वो सिखाया जाता था हम लोग को। एक उसमें सिंपल सा केस, बहुत कॉमन केस स्टडी, हर लोग हर कॉलेज में या हर लोगों को सिखाया जाता है ये। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन, छोटा छोटा बैच 10 का बैच आता था, उसमें सर बीच में रहते थे और हम लोग चारों तरफ चेयर लेकर बैठते थे, और सर जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बोले कि सोचिए, इमेजिन करिए कि आप बैंक के मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर हैं आप, आपने खूब पढ़ाई किया, पीओ कंप्लीट किया और आप सीनियर मैनेजर बन गए बैंक के, ठीक, पूरी लॉकर, पूरा कैश जहाँ रखा जाता है सबका चाबी आपके पास है, आप मालिक हैं बैंक के, करोड़ों रुपया बैंक में रखा हुआ है, आपके पास सारा की है। एक दिन बैंक में कुछ डाकू आ गए, डाकू आके घेर लिए, मैनेजर साहब के हेड के ऊपर पिस्टल लगा दिए, पिस्टल लगा के बोले कि चाबी दो नहीं तो मार देंगे। ये केस स्टडी है, एक केस स्टडी है सिंपल। अब क्वेश्चन सर का था कि आप जब मैनेजर बन जाएंगे, आप मैनेजर हैं, आप उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पूरे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और आपके टेबल के नीचे जो है, जो दराज वराज रहता है उसमें चाबी है, और जस्ट डाकू ने पिस्टल लगा दिया, बोला कि चाबी दो तो मार देंगे, आप क्या करिएगा, क्या करिएगा? वन बाय वन सबसे पूछा करते थे, आप क्या करिएगा, आप मैनेजर हैं, पूरे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही के ऊपर है, आपके ऊपर हेड के ऊपर लगाया हुआ पिस्टल, बोल रहा है कि मार देंगे। कई स्टूडेंट बोले कि सर हम चाबी दे देंगे, कई स्टूडेंट बोले कि चाबी नहीं देंगे, ठीक है। जैसे ही आप आंसर बोलेंगे कि चाबी दे देंगे सर, वो पिस्टल लगाया हुआ है, हो सकता है शूट कर दे, मेरी फैमिली है, फ्यूचर है मेरा, हम चाबी दे देंगे, देन सर का आंसर, फिर आप इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे क्यों बैठे हुए हैं, जब आप चाबी दे देंगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे बैंक को सुरक्षा देना, बैंक को सेफ रखना, करोड़ों रुपए, करोड़ों बैंक लॉकर है बहुत सारा, उसको सुरक्षित रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई भी आएगा आपके हेड के ऊपर लगाएगा तो वो चाबी आप दे दीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं देंगे,
वो मार देगा तो मार देगा, हम चाबी नहीं देंगे। तो फिर सर बोलते हैं कि ऐसे कैसे, जब मार ही देगा तो फिर आपकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या? आप इतनी 15 साल तक पढ़ते रहे, इतने बहुत दिन भर रात भर पढ़ करके इतने बड़े पोस्ट पे आए, आपकी फैमिली हुई, आपका घर है अच्छा सा, और आप पता चला कि आप जब कमाने लगे, आप बड़े पोस्ट पे बैठे, तो कोई आपको मार के चला गया, तो उसका पढ़ाई का क्या फायदा? देन हम लोगों सर समझाते थे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन, कुछ सलूशन नहीं है, कुछ नहीं करना, बातचीत करना है। आंसर क्या है इसका? बातचीत करना है। बोलना है कि जस्ट प्लीज टाइम दीजिए, मैं चाबी खोज रहा हूं। कुछ भी बातें करिए, बातें करिए, बोलते रहिए। लगता है कि चाबी मैं घर पे छोड़ आया, या मेरे स्कूटर में है, बाहर है, कार में है, जस्ट टाइम पास कीजिए, बातें करते रहिए, घुमाते रहिए, खोजते रहिए, उसके सामने खोजते रहिए। वो लॉकर मत खोलिए जहां चाबी रखा हुआ, अगल बगल खोजते रहिए, बुलाते रहिए प्यून को कि चाबी कहाँ रखा, कल यहाँ रखा हुआ था। बातें करिए, जितना आप डिले करेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। बातचीत किया जाता है कि बातचीत, न तो यस बोलना है कि मैं चाबी दे रहा हूँ, न ही नो बोलना है कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, दोनों चीज़ नहीं, दोनों कभी नहीं। बस बात करते रहिए कि कहीं खो गया चाबी, कहीं रखा था, कल मैंने यहाँ रखा था, प्यून डिस्प्लेस कर दिया, प्लीज टाइम दीजिए, मैं खोज रहा हूँ। जितना टाइम आपको मिलेगा उतना आप सेफ रहिएगा, तब तक कोई ना कोई इन्फॉर्म करेगा, या कहीं ना कहीं से मैसेज बाहर लिख होगा, डिले होगा तो वो छोड़ के भागेगा, जो उसके हाथ में मिलेगा वही लेके भागेगा, मेजर पार्ट बच जाएगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम जब भी सामने खड़ा हो जाए तो फट से डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट टाइम देना है, बातचीत करना है, बातचीत करनी। ये तो हमारी बातें हुई कि हम लोग थर्ड ईयर में, मैं था, जीडी हुआ करता था, सर आके ऐसे बहुत चीज़ें सिखाते थे, बहुत सारे चीज़ें बताते थे। मैं गया रूम पे, नई नई चीज़ें सीखता था, छोटा भाई था, शेयर करता था कि देखो आज हम लोग ने ऐसे सीखा, सर ने बोला कि नहीं चाबी देना भी नहीं है और मना भी नहीं करना कि मैं चाबी नहीं दूंगा। बातचीत करना है, बातचीत करना है, कि बातचीत कर करके टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करके खोज रहे हैं आप क्यों कर रहे हो, आप तो इतने अच्छे हो, आप क्यों डाकू बने हुए हो, आप पढ़ाई करो, मैं आपको जॉब के लिए ऑफर करूंगा, मेरे यहाँ गार्ड की पोस्ट है। बातें करते रहिए ना, उसको एकदम मोटिवेट करिए, प्यार से बात करिए, हैंडल करना सीखिए सिचुएशन को, ठीक है। ये मैंने उसको सुना है। अब ये तो टेक्निकल बातें हो गई, हम लोग का टेक्निकल जो होता है, जीडी होता है, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन होता है। अब इसका डॉक्टर से क्या रिलेशन है? एकदम सेम सिचुएशन उसके भाई के साथ हुआ। वो बातें हो गया, 10 साल पुरानी बातें हो गई, 10 साल पहले कॉलेज में ये बातें मैंने उससे शेयर किया कि ऐसा ऐसा सर ने मुझे बताया। अब वो बड़ा डॉक्टर बन गया, एम्स में चला गया, बड़े सर्जन में हो गया, वो लीलावती हॉस्पिटल में एकदम सर्जरी करता था, अभी तो जर्मनी में रहता है वो। तो एक दिन ऐसे ही बातें करते करते मुझे बताया कि देखो याद है तुमको कि हम लोग उस दिन थर्ड ईयर में जब मैं था हॉस्टल में, तो कॉलेज से आप आए थे और बोले थे कि ये ऐसा होता है कि अगर कोई आपके सामने एकदम सडन गन रखते और बोले कि चाबी दो नहीं तो शूट करूंगा, तो बातचीत करना होता है। बातचीत, बोले कि देखो ये जो उस दिन हम लोग सीखे थे, उस दिन जो बताए थे, वो पूरा मेडिकल लाइफ में इतना अच्छे से यूज होता है। बोले क्या? बोले बताओ कैसे? तो बोले कि बोले बहुत कॉमन केस है, बहुत कॉमन, आप भी डॉक्टर बनेंगे फेस करेंगे। बोले कि एक दिन मैं सर्जरी कर रहा था, सर्जन था, तो बोले कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक में कई पार्ट्स के सर्जन सर्जरी होता है। तो बोले कि एक केस आया, डेट मिला कि ऑपरेशन करना है, लेडीज का, एक लेडीज का ऑपरेशन, हिप्स का, कहीं हिप्स में डिसलोकेशन था। बोले कि वो हिप्स का डिसलोकेशन का केस था, बोला तो जा रहा था कि सीढ़ी से गिर गई है लेडीज, वो हिप्स डिसलोकेट कर गया है, उसको सर्जरी करना है, पोजीशन पे लाना है। और बोले सब कुछ हो गया, सब कुछ रूटीन वे में चल रहा था, आज 10 बजे सर्जरी है, सब लोग आ गया, सब जितना चेकअप वगप होता है हो गया, रिपोर्ट हो गया, जस्ट सर्जरी के लिए अभी बस बोला कि अपने चैम्बर में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है तो रेडी है, 10 मिनट बस निकलेगा, ऑपरेशन थिएटर में जाना है। सडन एक आदमी रूम में घुसा, बोले कि जस्ट रूम खुला था, उसके चैम्बर में अचानक एक आदमी घुसा, घुसते ही हड़बड़ाया हुआ आदमी था, हड़बड़ाया हुआ आदमी, घुसते ही वो दरवाजा बंद कर दिया,
अब ये मेरा भाई सर्जरी करना है 10 मिनट में, दरवाज़ा बंद, अब इसका हालत ख़राब है, क्यों क्यों बंद कर दिया, वो कौन है? बस वो बोला कि सर सर प्लीज प्लीज 1 मिनट का काम है मुझे। तो बोले कि ठीक है, क्या काम है, बोलो, दरवाज़ा क्यों बंद किया? तो बोले कि सर 2 मिनट सुन लीजिए ना मेरी बातें, मैं चला जाऊँगा। ठीक है, बोला वो आदमी कि सर ऐसा है कि अभी 10 मिनट में मेरी मिसेज का सर्जरी है, आप सर्जन हो, आप सर्जरी करोगे, ऐसा करो कि आप मार दो उसको, ठीक है, सर्जरी करते 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 कुछ नस काट दो, मर जाए। बोला कि इसका तो पसीना छूटना शुरू हो गया, रूम बंद, डॉक्टर ब्रदर मेरा, डॉक्टर एक मेच्योर आदमी उस सामने आंख से आंख डाल के बोल रहा है कि मेरी बीबी को मार दो, बस 10 मिनट में सर्जरी, आप ही सर्जन हो, हेड सर्जन आप हो, आपको करना है, कुछ नसों से काट दो, मर जाए, यहीं से डेड बॉडी चला जाएगा। इसका तो बोला कि मेरा तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, एकदम आवाज़ ही नहीं निकल रहा। बोला कि उस दिन याद आया मुझे कि जो आप बोले थे कि अब क्या कहें, हाँ कहें ना कहें, फंसा हुआ है, सेम सिचुएशन जो हम केस स्टडी करते थे, बोले एकदम सेम सिचुएशन, हम खड़े हैं, खड़ा खड़ा ही मेरा एकदम पसीना निकलना शुरू हो गया कि क्या कहें उसको, हाँ कहें या ना कहें, दरवाजा बंद, रूम में 2 लोग, क्यों? ये छोटा सा है, एकदम मुझसे भी छोटा है, 4 साल छोटा है मुझसे, एक आदमी मेच्योर आदमी खड़ा है, बोल रहा है मार दो उसको, पैसे दूंगा तुमको, ठीक है मार दो। अब हालत खराब, वो बोला कि यही देखो, बोले कि यही सिचुएशन याद आया जो आप केस स्टडी जो करते हैं वो सेम याद आया, ना तो आप हाँ बोलो ना तो ना बोलो, बात करो बात करो। बोले कि बस, बोले कि बैठिए प्लीज बैठिए, सामने बैठिए, खुद बैठा हो बैठा। बोला कि क्यों कर रहे हो ऐसा, बस बात करो, प्यार से समझाओ, बात करो, अगर आप बड़ा स्मार्ट बनोगे, मान लो अगर आप ही डॉक्टर हो, आप स्मार्ट बनोगे कि सोचोगे चलो ऐसा करते हैं कि बोल देते हैं कि हाँ मार देंगे इसको, बोल करके रूम से निकल जाएंगे, हम निकल करके फ्री होके बाहर जाके मैनेजमेंट को बोलेंगे कि ये देखो उस आदमी को पकड़ो, ये तो क्रिमिनल है, मारने के लिए बोल रहा था, ये भी मत करना कभी, आप कभी मत करना, ठीक है, हाँ बोल दिए कि बोले कि रूम के अंदर 2 ही लोग हैं ही, अब मैं बोल दूंगा हाँ हाँ मैं मार दूंगा, अगर ये बोले फंस जाओगे, पूरा आपका करियर चौपट होने वाला है। हो सकता है कि वो आदमी जो है फ्रेंड आदमी हो, और हो सकता है कि वो आदमी अपने कॉलर माइक यूज कर रहा हो, आपकी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो कि आप तैयार हो, आप 1 लाख 2 लाख रुपए लेके तैयार हो मारने के लिए, हो सकता है कि सारा कुछ आपका वॉयस आपका फेस एवरीथिंग रिकॉर्ड हो जाए उसके मोबाइल में, और जैसे रिकॉर्ड हो गया आपका गया आई में आपका सारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा कि ये तो क्रिमिनल है डॉक्टर, क्योंकि कंपटीशन तो हर फील्ड में रहता है, आप डॉक्टर प्रोफेशन बन गए, इंजीनियर बन गए, एवरी फील्ड में कंपटीशन है, एवरी फील्ड में बैड पर्सन है। तो अगर आप हाँ बोल दिए, कहीं गलती से हाँ बोल दिए और सोचे कि हम हाँ बोल के निकल जाएं, निकल के जाके ऑफिसर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को बोलेंगे, समझा देंगे कि ये गलत आदमी है, ये नहीं करना है, एक बार हाँ मुंह से निकल गया और कैमरा में रिकॉर्ड हो गया तो कोई सुनेगा नहीं आपका, सीधे आप विक्टिम हो जाओगे, आप मतलब एकदम माना जाओगे कि आप क्रिमिनल हो, इसलिए कुछ नहीं बोलना है। यानी कि रूम में 2 लोग हैं तो आप बचने के लिए सोचेंगे हाँ बोल के बाहर ना बोल देंगे, नहीं, कभी नहीं, हाँ भी नहीं बोलना है, कभी नहीं, ना भी नहीं बोलना है, अगर ना बोलोगे तो समझ जाएगा कि एक रूम में 2 ही लोग हैं, मेरी राज तो 2 ही लोग जानता है, एक तो मैं, मेरे मन में राज था कि इसको मारना है बीवी को, और दूसरा है कि एक डॉक्टर जान गया है, तो क्यों ना मैं डॉक्टर को ही मार दूँ अपने आप को बचने के लिए, तो ना भी नहीं बोलना है। तो बोले कि देखो उस दिन जो कॉलेज में जो इंसिडेंट बताया था वो मुझे फेस करना पड़ा, मैं बिठाया उसको, बिठा के बात करते रहा बात करते रहा बात करते रहा, आधे घंटे बात किया उससे, बोले कि 30 मिनट बात करते रहा, 30 मिनट बात किया उससे, एकदम पूछते रहा क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है घर में, क्या ऐसा क्यों आप ऐसा कर रहे हो, इतनी अच्छी वाइफ है, इतना अच्छा आपका बेटा बेटी है, बात करते रहा। बोले बात करते करते उसको मोल्ड किया एकदम, बोले एकदम सॉफ्ट कराया जा गया, एकदम बात करते करते जो उसके मन में जितना भड़ास है उसको निकाला जाता है। देन बैठे बैठे बोले कि वो 10 मिनट सर्जरी था, वो बात करते करते बोले कि 20 मिनट 25 मिनट लगा, तब तक उधर से कॉल आना शुरू हो गया,
क्योंकि सर्जरी में एक टीम होता है ना, एनेस्थेटिक रहता है, वार्ड बॉय रहेंगे, वो ऑपरेशन थिएटर 1 घंटे के लिए बुक रहता है, 1 घंटे के बाद फिर दूसरा होगा, ओटी में जाएगा लोग, तो वो जैसे 10 से 15 मिनट 20 मिनट डिले होने लगा, जस्ट कॉल आना शुरू हो गया, कॉल आना शुरू हो गया, नॉक करना शुरू किया, नॉक करने पर खुला गया फिर कि हाँ, ऐसे ही बात कर रहे थे इनसे, ये नहीं बताया गया कि क्या हुआ। ठीक है, सब कुछ सही हो गया, सब सर्जरी अच्छे से किया गया, मिला गया, सब सही हो गया, लेके चला गया। बोलेंगे ये तो ना मैंने हॉस्पिटल को बताया, ना किसी को बताया, बस मैं और जानता हूँ, मेरे फैमिली में वाइफ है, उनको बताया, मुझे बताया। बोले कि ऐसे ऐसे चीज़ें होता है, तो जो चीज़ें हम लोग, इसलिए बोला था बड़े सिस्टम में रहिएगा, बड़े कॉलेज में रहिएगा, तो बहुत चीज़ें लाइफ को, प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख जाइएगा कि कैसे हैंडल करना। और ये नहीं कि इंजीनियर का ये प्रॉब्लम है या बैंकर्स का प्रॉब्लम है, एवरी फील्ड में हर जगह कहीं ना कहीं चीज़ें निगेटिव पर्सन मिलेगा, और हैंडल कैसे करना है। तो आप भी बड़े जब बनेंगे, बड़े बिजनेसमैन ही बनेंगे, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम आएगा, ऑफकोर्स प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम का सलूशन हाँ या ना नहीं है, लड़ाई नहीं है, लड़ाई कभी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। ठीक है, प्रॉब्लम का सलूशन होता है बातचीत करना, डिले करना, डिले करिए उसको, उसको थोड़ा सा टाइम दे करके उसको आगे बढ़ाइए, देन प्रॉब्लम अपने आप हट जाता है रास्ते से। तो आप कॉलेज में जाएंगे, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सीखने को मिलता है, और जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो प्रैक्टिकल वो देखने को चीज़ें सब, जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो लोग बता रहे हैं, प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें आता है। तो अब बोला कि बाद में ये मैंने अपने कलीग से शेयर किया ये बातें कि ऑपरेशन से पहले लोग बोले कि ये बहुत कॉमन है यार, ये बहुत कॉमन केस है, बहुत कॉमन केस है ये। ठीक है, तो इसको हैंडल करने का एकदम सेम यही तरीका है कि आप एकदम बात करिए, हाँ या ना नहीं, कभी हाँ या ना नहीं, फंस जाएंगे हाँ बोल करके, रिकॉर्ड हो रहा है आपका, कोई ना कोई आपका, मान लिया कि कोई आपका दुश्मन है, कोई डॉक्टर ही है जो आपके अगेंस्ट प्लान कर रहा है, अगर हाँ बोले तो फंस जाएंगे, हो सकता है रिकॉर्ड हो जाए पूरा चीज़ें और टीवी पे आ जाए और आप एकदम बदनाम हो जाएंगे, ना बोलेंगे तो प्रॉब्लम है। बातचीत एक अच्छा सलूशन बोला जाता है। तो आपके साथ भी बनेंगे डॉक्टर, आप बहुत सारे चीज़ें, अभी बहुत चीज़ें हैं, अनलिमिटेड एंडलेस टॉक होता है हम लोग का, बातें होगा तो बनेंगे चीज़ें, आप देखेंगे और आप फील करेंगे इन चीज़ों को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास। मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3, 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक में भी कुछ होता है। मेजर पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड ऑफ बोरोन, बोरोन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिलिकन। नेक्स्ट, अभी बोरन कंपाउंड में हम लोग को जो पढ़ना है, इसमें इसमें 6-7 इसके कंपाउंड है जो बड़े फेमस हैं, उन्हीं से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड में ले रहा हूँ, कंपाउंड ऑफ बोरन में एक बेंजीन ले रहा हूँ मैं, बेंजीन सब लोग जानते हैं, वो ऑर्गेनिक का बेंजीन है, उसी का दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप फर्स्ट पॉइंट में, आप बोरन में आप पढ़ते हैं कंपाउंड, एक तो बेंजीन, बेंजीन जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C6 और H6, ये फॉर्मूला है। आप बनाते हैं ऐसे बेंजीन बनाते हैं, इस तरह से आप बेंजीन बनाते हैं, सब लोग जानते हैं कि ऐसे फिगर बनाते हैं, या इस फिगर को आप सर्कल भी बना देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, ऐसे सर्कल कर देते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, बेंजीन के बारे में भी खूब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। या फिर इसका आप बॉन्डिंग बनाएंगे तो C6H6 में ऐसे, ये कार्बन ऐसे बनाना है, कार्बन करना है, कार्बन है ये, कार्बन हो गया ऐसे, आप पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी, आप पढ़ चुके हैं ऐसे हो गया, ये C6 हो गया, और कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, तो ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये है बेंजीन, सब लोग जानते हैं, सब लोग को पता है बेंजीन के बारे में, ये आप फिगर देख रहे हैं, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन आप कर सकते हैं, ये sp2 है आपका, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 1 है, सब सब लोगों को पता है, तो ये बेंजीन है, बेंजीन C6H6। ठीक है, तो बेंजीन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट ऐसे ही एक बोरन का एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, वो जानना है, क्योंकि एक जैसा कंपाउंड है आपका, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। कंपाउंड ऑफ बोरन में 6-7 इसके कंपाउंड ही है जो फेमस है और वो पूछा जाता है आपको। ठीक है,
सो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग इसी में जो बेंजीन है, बेंजीन के जगह एक नया नाम आता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। सो बेंजीन है, बेंजीन के जगह इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको बोराजोल बोलते हैं, बोराजोल, बोराजोल, या फिर इसको बोलते हैं बोराजिन, बोराजिन। सो बोराजोल, बोराजिन या इनऑर्गेनिक बेंजीन, एकदम सेम स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन होता है उसी तरह आपका इसका फॉर्मूला होता है B3 और N3 और H6, ये भी कंपाउंड ऑफ बोरोन। देखिए बोरोन कंपाउंड, ये जैसे कंपाउंड ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है, उसी ऑर्गेनिक के जगह ये इनऑर्गेनिक आ जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजोल, बोराजीन या B3N3H6। फिगर मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये पढ़ा हुआ है, इसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि बॉन्ड ऑर्डर, क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्स, कार्बन बॉन्ड, इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग पढ़े हुए थे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आया था आपका 1.5, हम लोग MOD में डिस्कस किए हुए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है हम लोग डिस्कस किए थे कि देखिए ऐसे ये रेजोनेंस करता है, ये सब चीज़ें हम लोग को पहले भी पढ़ा हुआ है, बेंजीन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। जो चीज़ आप पढ़े हुए हैं आप ऐसे नोट कर सकते हैं, फिर से ऐसे इस तरह बना सकते हैं। यहाँ यहाँ देखेंगे तो इस जगह कोई भी बॉन्ड लेंगे तो यहाँ देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस करते हुए हम लोग पढ़े हुए थे कि बॉन्ड ऑर्डर ना तो सिंगल बॉन्ड होता है ना डबल बॉन्ड होता है, बल्कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5, तो 1.5 में आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 पढ़ा हुआ है, ये फिगर है, चाहे रेजोनेटिंग फिगर है, चाहे ये हुआ, चाहे आप कार्बन हाइड्रोजन के टर्म में बनाएंगे तो वो फिगर है, तो वो पढ़ा हुआ है क्लास में और आगे पढ़ेंगे भी। ऑर्गेनिक में तो बेंजीन बहुत कॉमन कंपाउंड है ना, उसी को रिप्लेस करेंगे द बेंजीन के जगह इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल या बोराजीन, ये B3N3H6, एकदम सेम फिगर, सब कुछ बॉन्डिंग एक जैसा, जैसे आप फिगर हम लोग बना रहे हैं एकदम एक जैसा। जैसे यहाँ देखिए बोरन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाउ बोरन, नाउ बोरन, और फिर यहाँ नाइट्रोजन, देखिए ऐसे H6, सो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन पे जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ऐसे लोन पेयर कर देंगे, लोन पेयर करेंगे, और अल्टरनेट यहाँ पे लोन पेयर है तो वो डोनेट करेगा, डोनर होगा, तो डोनर में क्वाड्रेंट बॉन्ड, अल्टरनेट ऐसे क्वाड्रेंट बॉन्ड बनाते रहेंगे, ऐसे एरो बना के करते रहेंगे, हो गया। फिर बोराजोल, बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये है फिगर। मान लीजिए ऐसा नहीं रहेगा फिगर, इस तरह है तो वही देखिए सेम चीजें हैं, जो उसमें है वही चीज इसमें भी है, सारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। यहाँ भी देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे भी sp2, नाउ चाहे आप कार्बन या नाइट्रोजन, बोरन या नाइट्रोजन देखेंगे, सब हाइब्रिडाइजेशन sp2, एकदम सेम फिगर है, एकदम जैसे ऑर्गेनिक है उस तरह ये इनऑर्गेनिक है, वो भी एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक है, जो कंडीशन उसमें है वही कंडीशन इसमें भी है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक। लिखने का तरीका एक और होता है, एक और तरीके से भी हो सकता है, ऐसे न लिखा रहे एग्जाम में तो दूसरा तरीका ऐसे समझिए, आप बोरन और नाइट्रोजन में देख रहे हैं कि बोरन है और नाइट्रोजन है, यहाँ देख रहे हैं कि एक सिंगल बॉन्ड है और ये ऐसे एरो चल रहा है, इस एरो को हम लोग साइंस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक तरीका और है लिखने का, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये देखिए, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर डोनर है, और ये जो है वो एक्सेप्टर है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। तो इस बॉन्ड को लिखने का एक तरीका ऐसा भी है कि बोरन और नाइट्रोजन रखेंगे, ये एक सिंगल बॉन्ड कर लेंगे, ये है डोनर और एक्सेप्टर, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये निगेटिव और ये वाला हो गया पॉजिटिव। तो एक तरीका ये भी है, ऐसा भी प्रेजेंट करते हैं, एक मेथड ये भी है ऐसे भी प्रेजेंट करने का कि यही जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ऐसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो देखते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड,
ये कोवलेंट बॉन्ड है वो एक कोवलेंट बॉन्ड, और ये वाला प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो डोनर है, देखिए डोनर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लूजर पे प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्टर, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो फिगर देख रहे हैं, ये जो आप फिगर आप देख रहे हैं बोराजोल बोराजिन, उसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह है बोरन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरन, बोरन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यह है हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन हुआ, यहां हाइड्रोजन हुआ, यहां हाइड्रोजन है, और यह है हाइड्रोजन, और यह हाइड्रोजन हो गया, एक फिगर है सर। फिर रुकिए, अब ये जो बॉन्ड रेड कलर का बॉन्ड है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप चाहे तो रेड कलर वाले बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आप इस पे प्लस माइनस कर सकते हैं। ये जो डोनर है इसके बॉडी पे प्लस आ गया, और ये एक्सेप्टर है इसके बॉडी पे माइनस आ गया, तो आप चाहे तो ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड कर सकते हैं। जो डोनर है उसके बॉडी पे प्लस चार्ज आ गया, और जो एक्सेप्टर है उसके बॉडी पे माइनस चार्ज आ गया, इसके बॉडी पे प्लस चार्ज आ गया, इसके बॉडी पे माइनस चार्ज आ गया, हो गया। तो ये भी एक लिखने का तरीका है, या तो ऐसे लिखा रहेगा या इसी का दूसरा फॉर्म वो भी है। सब कुछ सेम है, हाइब्रिडेशन, शेप, बॉन्डिंग सब सेम है, सेम आपका वही बोराजोल B3N3H6। सो ये एक बोरन का कंपाउंड था कि जिसमें ऑर्गेनिक, जैसा ऑर्गेनिक होता है बेंजीन, वैसा ही एकदम सेम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजोल या बोराजीन B3N3H6 ये हो गया। नोट करिए नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्टिंग में दो कंपाउंड कंपेयर करना है, ऑर्गेनिक से और इनऑर्गेनिक से। जैसे ऑर्गेनिक का नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक में, जैसे आप ग्रेफाइट पढ़ते हैं, सेकंड कंपाउंड है आप ग्रेफाइट पढ़ते हैं, ग्रेफाइट हम लोग कई जगह हम लोग का स्टडी करेंगे। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक नॉन मेटल है जिसमें कार्बन है, कार्बन होता है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रहता है। ग्रेफाइट हम लोग को जानना है कि ग्रेफाइट जो बैटरी में भी यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, घर में जो ड्राइव सेल, जो रिमोट टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, उसमें बैटरी यूज करते हैं, उसमें भी ग्रेफाइट का रॉड रहता है, देखे होंगे घर में। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन है, कार्बन हाइब्रिडेशन sp2 है, डायमंड होता है sp3, जो पहले पढ़ा हुआ हम लोग का ग्रेफाइट एंड डायमंड का हाइब्रिडेशन स्टडी किए हुए हैं। अच्छा, अब इसका जो शेप होता है, ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर मीन्स बहुत सारे लेयर, मतलब आप जैसे मैं फिगर एक कुछ बना रहा हूँ, कुछ लेयर बनाते रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये देखिए ऐसे मैंने कुछ बनाया, वही बेंजीन टाइप का ही बनाया मैंने, मान लीजिए लेयर स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ मैंने आपको बनाया, समझिए बहुत सारा लेयर होता है इसमें, देखिए मैंने कुछ ऐसे लेयर स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर जगह मैं यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड दिखाऊंगा, ऐसे कोई भी कार्बन है तीन बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे, देखिए अभी मैं तीन तीन लाइन, कोई भी कार्बन जहाँ भी देख रहे हैं वो सब कार्बन में तीन बॉन्ड मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे चेक करेंगे, हर जगह आप चेक कर लीजिए, हर एक जगह आप चेक कर लीजिए, हर जगह तीन तीन बॉन्ड हो गया, हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें जो है sp2 करना है, तो sp2 करना है, तो sp2 करने के लिए ऐसा मैं कर दे रहा हूँ, ये ऐसे हर जगह ऐसे कहीं ना कहीं अल्टरनेट छोड़ते हुए डबल बॉन्ड करते जाऊँगा, अल्टरनेट मैं कर रहा हूँ, चेक करते जाएंगे, अल्टरनेट करूँगा मैं, अल्टरनेट ऐसे चेक मैं करते जा रहा हूँ, देखिए ऐसे। तो मैं कुछ इस तरह से प्लान किया हूँ कि अब आप फिगर आप देखेंगे तो हर एक कार्बन, जितना भी कार्बन है सब कार्बन में हाइब्रिडेशन आ रहा है sp2, और फोर बॉन्ड है, कोई भी कार्बन देखेंगे, कार्बन साइंस में कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, फोर बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, तो कार्बन का आप देख लीजिए, कोई ये कार्बन है भाई, ये टिप्स पे यहाँ कार्बन है, आप समझ रहे हैं, इसमें आपको फिर से बनाना पड़ेगा, आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ।
ऐसा हाइब्रिडेशन में मैं सब चीजें बताया था आपको कि ये जो आप देख रहे हैं, जैसे आपने एक रिंग बना लिया, तो रिंग बना लिया तो आपको समझना है रिंग का मतलब ये है, ऐसा रिंग है, आप ऐसे समझिए इस तरह से रिंग का ये मतलब हुआ, यहाँ पे रिंग बनाया, फिर आपने ऐसे रिंग बना दिया, ऐसे कर दिया, तो रिंग का मतलब समझिए ऐसे। ये हुआ, ये ऐसे, जितने जितने कॉर्नर है सब कार्बन है, और कार्बन में अभी सबसे पहले रिंग लेयर्ड है भाई। अब मैं यहां पे 3 बना सकता हूं, बुक में 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, बहुत सारा लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो कार्बन का पूरा लैटिस, जैसे आप कार्बन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है रॉड, आप देखें बैटरी में रॉड होता है, बड़ा बैटरी लीजिएगा तो बड़ा रॉड रहेगा, तो वो लेयर्ड है, बड़ा फिगर भी रहता है। मैं कुछ थोड़ा सा लैटिस बना रहा हूँ। अब मैं ये पहले रिंग बना दिया, और फिर मैं आप देख रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ देखूंगा कि हर एक कार्बन के पास यहाँ पे होना चाहिए कम से कम जो होना चाहिए 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड मैं चेक करूंगा पहले कि क्या हर एक कार्बन पे 3 बॉन्ड आया, हो गया, यस, हर एक कार्बन पे 3 बॉन्ड हो चुका है। अब क्या करना है मुझे, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं ना, कार्बन टोटल बॉन्ड हमेशा 4 बनाएगा, तो 4 बनाएगा, तो अब मैं इसमें ये कर देता हूँ, लीजिए ऐसे, ये 4 बॉन्ड हो गया। अब चेक कर लीजिए, किसी भी कार्बन को आप चेक कर लीजिए, किसी भी कार्बन को जिसको मन करे उसको चेक कर लीजिए। मैं अब ऐसे प्लान कर दे रहा हूँ कि सारा कार्बन में 4 बॉन्ड आपको दिखेगा, चेक कर लीजिए, किसी को भी चेक करना हो चेक करके देख लीजिए, सब कार्बन 4 बॉन्ड में, सारा सारा जगह आपको चार चार बॉन्ड दिखेगा। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कहीं भी देखेंगे तो sp2, कहीं भी देखेंगे, यहाँ देखना हो यहाँ देखिए, यही है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यही लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे बेंजीन रिंग जब फ्यूज किए जाते हैं, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। तो ये है आपका फिगर जो है वो ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट में कार्बन होता है और वो बगल में लिखना पड़ता है sp2। बहुत सारे कार्बन लेयर फॉर्म में रहते हैं, तो आप शॉर्ट में लाइन फिगर ऐसे बनाएंगे, एटम्स के फॉर्म में करना हो तो वो कर सकते हैं, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये रेड वाला जो होता है ना, ये रेड में जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में ना, बॉन्डिंग पार्ट 4 में, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड काफ़ी वीक है, अब वीक होने के चलते वो डिसोसिएट कर जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाते हैं। जबकि आपको मैं बताया हूँ डायमंड अलग है, ये ग्रेफाइट है, डायमंड आप पढ़ेंगे तो ये अलग है, डायमंड में कार्बन होता है और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp3, वो कार्बन कुछ ऐसे इस तरह से चेन बनाता है, तो वो अलग है। ये हम लोग इसके बारे में भी पहले पढ़े हुए हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का आपने फिगर देखा, ये ऑर्गेनिक हो गया, प्योर कार्बन, मौलिक कार्बन ऑर्गेनिक हुआ। अब इसका इनऑर्गेनिक फर्शन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी होता है, तो मैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कर देता हूँ। थर्ड, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोरोन नाइट्राइड बोलते हैं, BN बोरोन नाइट्राइड। तो ऑर्गेनिक में जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन आपने पढ़ा था, इनऑर्गेनिक बेंजीन हुआ, उसी तरह ऑर्गेनिक का ग्रेफाइट प्योर कार्बन ऑर्गेनिक हो गया, इसी को इनऑर्गेनिक में भी चेंज कर दिया जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट BN करके, या फिर BN करके होल X लिखा जाता है, ठीक है, या इसका नाम बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड, बोरोन और नाइट्राइड बोलते हैं, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। ये सब फिगर एकदम एक जैसा, एकदम एक जैसा सिमिलर फिगर रहेगा, एकदम सेम फिगर, आप वो बनाइए चाहे ये बना लीजिए। मैं देखिए ये लाइन चेंज कर रहा हूँ, रुक जाइए, मैं दो कलर यूज कर ले रहा हूँ, जैसे ये लाइन मैं चेंज कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसा, रुकिए ये लाइन मुझे चेंज करने दीजिए, एकदम सेम, एकदम एक लेयर जो है ना, एक लेयर जैसे ये लेयर बनाना है, एक लेयर देखिए बोरोन का, एक लेयर ऐसे बोरोन का बना दीजिएगा, हो गया। नेक्स्ट, दूसरा लेयर नाइट्रोजन का, दूसरा लेयर ऐसे नाइट्रोजन, 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 एकदम सब कुछ सेम, सारा प्रॉपर्टी सब सेम,
नाइट्रोजन, यहाँ है नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट लेयर बोरन का, नेक्स्ट लेयर नाइट्रोजन का, नेक्स्ट बोरन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, एकदम सब कुछ सेम है एकदम। देखिए जैसे ऑर्गेनिक है उसे जरा इनऑर्गेनिक। तो कुछ 5-6 कंपाउंड है जो बड़ा फेमस है बोरन का, वो आपको जानना है। तो देखिए बॉन्डिंग एकदम सेम बॉन्डिंग, बस एक लेयर बोरन एक लेयर नाइट्रोजन, बोरन नाइट्राइड। सो ये है बोरन और यहाँ भी है बोरन, तो ये है बोरोन नाइट्राइड। देखिए एक एक लेयर बोरन बोरन और फिर दूसरा लेयर नाइट्रोजन, ठीक है। सो सेम एकदम सब कुछ सेम बॉन्डिंग। अगर आप प्लस माइनस चार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप समझिए कि ये डोनर है तो डोनर के बॉडी पे प्लस आ जाएगा और एक्सेप्टर है बॉडी पे माइनस। तो जितना बोरन है बोरन के बॉडी पे माइनस करना है तो कर सकते हैं आप। नाइट्रोजन है प्लस चार्ज करना हो तो प्लस कर लीजिए, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बोरोन नाइट्राइड, तो ये है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। एकदम सेम जैसा आप पढ़ रहे हैं ग्रेफाइट, उसी तरह से वो इनऑर्गेनिक का ग्रेफाइट हो गया। आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, तो देखिए सेम सेम बॉन्डिंग सब कुछ सेम। एक लेयर वही में उसी में एक लेयर बोरन का रखना है, नेक्स्ट लेयर नाइट्रोजन, फिर बोरन, फिर नाइट्रोजन, बोरन नाइट्रोजन, बोरन नाइट्रोजन। और मैंने बताया था कि आपको बताया था अभी कि ये जो बोरन है, जैसे ऊपर में बोरन है और ये नाइट्रोजन है, तो रियल बॉन्डिंग जो होता है रियल ऐसे बॉन्डिंग कुछ ऐसा रहता है, इस पे लोन पे रहता है तो ये डोनेट करेगा, ऐसे डोनर होता है। रियल बॉन्डिंग ऐसा होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, और आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो ये है डोनर और ये एक्सेप्टर है। डोनर डोनर के बॉडी पे प्लस चार्ज, एक्सेप्टर के बॉडी पे माइनस चार्ज, ये लिख सकते हैं ऐसे। तो ये था आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिमिलर फिगर। बोरन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है। एक बोरिक्स पढ़ना है, वो भी एग्जाम में पूछा गया है, IIT एडवांस में पूछा जाता है बोरिक्स। सो बोरेक्स, सोडियम टेट्रा बोरेट डिकाहाइड्रेट, इसका और नाम भी है, आपको इसका नाम नेक्स्ट नेम इसको बोलते हैं सोडियम टेट्रा बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट डिकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, डेका डेका का मतलब 10 हुआ और हाइड्रेट वाटर हो गया। सो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और 10 वाटर। ये बोरेक्स, ये बोरेक्स हुआ, बोरेक्स का मतलब सोडियम और टेट्रा, सोडियम टेट्रा 4, टेट्रा का मतलब 4, बोरेट डेका 10, हाइड्रेट वाटर। इसको फिगर को आप ऐसे भी बुक में लिखा रहता है, आप चाहें तो ऐसे भी Na2 और B4 और O5 और यहाँ पे OH होल 4 ऐसे भी लिखा रहता है, इनटू 8 वाटर।
मैं बॉन्डिंग कर देता हूँ उसका, ड्राइंग कर देता हूँ, ड्राइंग से क्वेश्चन आता है इसका, ड्राइंग रहेगा उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा। तो यह बोरिक्स, बोरिक्स यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक में भी, बोरिक्स बीट टेस्ट, बोरिक्स बीट टेस्ट में इसका हम लोग को एप्लीकेशन है। बोरिक्स बीट टेस्ट में जब इसको हीट करते हैं, जैसे आप हीटिंग करने हैं, हीटिंग करने पे ऐसे ब्रेक कर जाता है, जैसे टू NaBO2 देखेंगे ऐसे ब्रेक कर जाएगा, प्लस B2O3 प्लस 10 वाटर, वाटर अलग हो जाएगा। देखिए हीटिंग करने पे ये चेक कर लेंगे, सोडियम टू सोडियम बी फोर, तो दो बोरन यहाँ पे, फोर एंड थ्री सेवन, सेवन ऑक्सीजन एंड देन वाटर। इसको यूज करना होता है बोरिक्स बीट टेस्ट, आएगा इनऑर्गेनिक में आता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप इसका फिगर मुझे चाहिए था, तो फिगर के लिए यहाँ से प्लांट करते हैं एन ए टू बी फोर ओ, बी फोर ओ फाइव, तो बी फोर ओ फाइव कुछ ऐसा हो गया, रुके फिगर कलर चेंज करता हूँ, बी फोर, बी फोर कुछ ऐसा है, ऐसे स्क्वायर टाइप का बना लीजिएगा, O5, B4, O5, ऑक्सीजन बीच में, यहाँ ऑक्सीजन बीच में, यहाँ ऑक्सीजन बीच में, यहाँ ऑक्सीजन बीच में, और O5, O5 का मतलब ये देखिए B4, O5 और OH4, OH4, OH4 में एक OH तो ऐसे लगा देंगे, एक OH ऐसे लगा देंगे, बट यहाँ बोरन के तीन बॉन्ड हो चुका है, बोरन, बोरन मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बना सकता है, थर्ड एक ग्रुप का है, एल्युमिनियम फैमिली है, तीन बॉन्ड बना लिया, तो एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऐसे देंगे हम लोग, ओ एच ऐसे माइनस करेंगे और इसको डोनेट करेंगे ऐसे, अगर माइनस है तो बगल में एक सोडियम आएगा ऐसे, और फिर से यहाँ पे हम लोग अगर ओ एच माइनस करेंगे, यहाँ पे ओ एच माइनस इसको डोनेट करेंगे तो इसके बगल में एक आएगा सोडियम। अब फिगर देख लेंगे, एन ए टू सोडियम टू हो गया, बी फोर, बी फोर हो गया, ओ फाइव हो गया, ओ फाइव, ओ एच का होल फोर, ओ एच का होल फोर भी हो गया, और यहाँ एट वाटर, साइड में एट वाटर लिख देंगे। ये फिगर है, ये फिगर है कि अगर आप फिगर जानेंगे डायरेक्ट जो भी एडवांस का क्वेश्चन था वो देख के बना लेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा ऐसे। इसमें ये बोरन है, इसका हाइब्रिडेशन, इस बोरन का हाइब्रिडेशन जो है वो है sp2 है, और ये भी बोरन है, इस बोरन का हाइब्रिडेशन भी sp2 है, यहाँ इस बोरन का हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3, sp3 क्योंकि यहाँ फोर सिग्मा बॉन्ड है, और ये बोरन का हाइब्रिडेशन जो है वो sp3। ये मैं क्वेश्चन आईटी का एडवांस का जो था वो मैं चेक कर लेता हूँ क्या पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन था आईटी एडवांस का, अभी मैंने प्रेजेंट किया था ये क्वेश्चन जो है आईटी एडवांस के लिए पूछा हुआ था क्वेश्चन। सो लिखा हुआ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरिक्स, बोरिक्स जो बोरिक्स का फॉर्मूला मैंने फिगर वो छोड़ दिया है यहाँ पे, आप जानते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन मतलब वाटर फॉर्म, मतलब बोरिक्स, बोरिक्स जो हुआ उसका फॉर्मूला है एन ए टू और बी फोर और ओ सेवन और टेन वाटर ऐसे, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द बोरिक्स है। हैच इस फॉर्म कंटेन, इस फॉर्म में हैच टेट्रा न्यूक्लियर बी फोर ओ फाइव ओ एच का होल फोर टू माइनस यूनिट, तो टेट्रा न्यूक्लियर चार न्यूक्लियर का, एक दो तीन चार, चार जगह है सेंटर है आपका, बी फोर है, बी फोर ओ फाइव और चार जगह ओ एच है, ओ एच, और अगर सोडियम हटा दे तो एक नेगेटिव दो नेगेटिव, सही है एकदम, एकदम करेक्ट है, टेट्रा न्यूक्लियर ये यूनिट उसके अंदर है, फिगर देख लीजिए है। ऑल बोरन, ऑल बोरन एटम लाइज इन अ सेम प्लेन, गलत, ये गलत है क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, दोनों का सेप अलग है, एक प्लेनर ट्रायंगुलर है और दूसरा हुआ टेट्राहेड्रल हो गया, दोनों का सेप अलग है, बॉन्ड एंगल अलग है, दोनों का प्लेन अलग हो जाएगा, तो ये गलत है आपका। इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज बोरन एटम, दो बोरन एटम sp2 है और दो बोरन एटम sp3 है, तो इक्वल नंबर हो गया, दो sp2 दो sp3, करेक्ट।
वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड, वन हाइड्रोक्साइड ग्रुप इसको बोलते हैं एचओ ग्रुप, वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड ग्रुप पर बोरन एटम, हर एक एटम के साथ एक टर्मिनल किनारे में OH है, यहाँ पे OH है, इसके किनारे भी OH है, इसके किनारे भी OH है, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो ये इसमें तीन करेक्ट हुआ और सब कुछ फिगर के ऊपर है, फिगर जो लोग जानते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट फाइव, बोरन कंपाउंड में बोरन हाइड्राइड कर लेते हैं, बोरोन हाइड्राइड 4 5 5, बोरोन हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड जो हुआ BH3, इसके बारे में जो कुछ जानते हैं लिखिए BH3, बोरोन हाइड्राइड भी एग्जाम में आता है BH3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप पढ़ेंगे तो आप बोरन हुआ और हाइड्रोजन में अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ना हो तो बोरन का 2.0 है, हाइड्रोजन 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हाइड्रोजन हल्का सा ज़्यादा होगा बोरन के कंपेयर में। बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो बॉन्डिंग में आप चेक कर लीजिए, ऐसा फिगर होगा हाइड्रोजन और यहाँ बोरन और हाइड्रोजन ऐसे और ऐसे, इस तरह से फिगर होगा। हाइब्रिडेशन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप तीनों बॉन्ड जो देख रहे हैं ये तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 4 बोरन, बोरन के लिए आप पढ़ेंगे बॉन्ड पे, सो बॉन्ड पे बॉन्ड पेयर जो है वो 3, सो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 3, सो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन जो हुआ आपका यहाँ पे बोरन के लिए हाइब्रिडेशन sp2 हुआ, शेप हुआ प्लेनर ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, हाइब्रिडेशन sp2, शेप जो है प्लेनर ट्रायंगुलर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, फिगर देख रहे हैं सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर में डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, डायपोल मोमेंट पढ़े हुए हैं आप, बॉन्ड एंगल, डायपोल मोमेंट, शेप सब पढ़े हुए हैं, सो डायपोल मोमेंट सिमेट्रिकल फिगर है ना, डायपोल मोमेंट जो हो गया वो 0 हो गया सिमेट्रिकल फिगर, इसके चलते ये मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। जो जानते हैं इसके बारे में बोरोन हाइड्राइड, तो ये फॉर्मूला हो गया। बॉन्डिंग आप देखेंगे तो बॉन्डिंग में देखिए हाइड्रोजन हुआ और यहां पे आप बात कर रहे हैं यहां पे बोरन, मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रॉन है और बोरन, बोरन का मैं कलर कर देता हूं रेड कलर से, और बोरन के 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, नाउ 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। सो देखिए यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ का हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूल फॉलो किया और यहाँ का हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूल फॉलो करते हुए कंप्लीट बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। बट जब बोरन के लिए प्लानिंग करेंगे तो बोरन का जब आप पूरा ऐसे बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे बोरन में, ऐसे इस तरह से बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं, तो बोरन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, बोरन के लिए इलेक्ट्रॉन तो टोटल 6 है, 6 तो स्टेबल नहीं होगा, डिफिशेंट हो जाएगा ना, तो ये कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड हो गया। तो ये आप नोट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन बोरन, बोरन पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, ये 2 4 6,
उसके चलते ये कंपाउंड जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो गया। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड के चलते ये जो हुआ लुईस एसिड हो गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन जो है, आप यहाँ बोरन पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोरन, बोरन पे इलेक्ट्रॉन सिक्स, वाली शेयरिंग किया हुआ टू टू फोर सिक्स, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो करता है, हाइड्रोजन ठीक है, बट अदर एटम तो ऑक्टेट फॉलो करना चाहिए ना, एट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब एट इलेक्ट्रॉन नहीं है, एट से कम है, तो उसको डिफिशियंट बोलते हैं, और जो डिफिशियंट कंपाउंड जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट लुईस एसिड होते हैं, ये लोग एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर होते हैं। सो ये लोन पेयर का एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर ऑफ लोन पे। अगर आप कुछ बॉन्डिंग बनाना चाहें, रिएक्शन करना चाहें, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन था, और बोला गया था कि अगर इसको BH3 को, इस BH3 को मिक्स कर लेंगे हम लोग, BH3 को मिक्स कर लेंगे NH3 से, अमोनिया से, और ये बनाएंगे 1H2 कॉम्प्लेक्स, 1H2 1H2 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब रिएक्शन करना है भाई, 1H2 रिएक्शन, 1H2 कॉम्प्लेक्स करना है, ऐसे एक एक करके रिएक्शन करना है 1H2। और ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, तो क्या बनेगा वहाँ पे, हम लोग कॉपी में है ऑलरेडी पढ़ा हुआ, आईटी एडवांस क्वेश्चन था तो पढ़ा हुआ पहले से, देखिए समझिए। ठीक है, अगर आप BH3 बना रहे हैं तो BH3 के लिए कुछ ऐसा हुआ, H हुआ और ये बोरन हुआ और यहाँ पे H हुआ और ये H हुआ, ये BH3 हो गया, ये BH3। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन आप जानते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन जो है वो sp2 है, और ये है आपका प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर हुआ हाइब्रिडेशन इसका sp2। अमोनिया के बारे में आप जानते हैं कि अमोनिया, अमोनिया जो है वो ऐसा फिगर रहेगा, H पढ़े हुए हैं अमोनिया, ये रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं, जब भी यहाँ रिपीट करना हो तो कर लिया करेंगे, थोड़ा सा है रिपीट करने में, थोड़ी देर के लिए रिपीट कर लेंगे। देखिए यहाँ आप जानते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और इसका शेप जो होता है वो पिरामिडल शेप है, ये पिरामिडल शेप हुआ, ये पिरामिडल शेप में आता है। ठीक, यह है एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर और डोनर ऑफ लोन पेयर, वो रिच है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ये रिच है, रिच होने के चलते ये लुईस जो हो गया वो बेस हो गया, लुईस बेस, क्योंकि ये रिच यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, एट है, एट चेक कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन एट है, फिर भी उस पर लोन पेयर है, तो रिच हुआ। और ये है लुईस जो है वो एसिड है, क्योंकि ये डिफिशेंट है, अभी आपने देखा कि ये डिफिशेंट है। जब 1:1 कॉम्प्लेक्स का मतलब 1:1, 1 मोल BH3, 1 मोल अमोनिया जस्ट सटाना है, जैसे सटाइएगा तो ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो ऐसे डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे एक्सेप्टर, क्योंकि एसिड बेस सटाइएगा तो रिएक्शन तो होगा ही, और ये डोनर है, एक्सेप्टर है, जैसे ही डोनेट करेगा, तो डोनेट करने के बाद पूछा गया था कि क्या आपका बॉन्डिंग कैसा होगा, तो ये देखिए ऐसे, तो हाइड्रोजन बना लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कर लेंगे, और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है डोनर और एक्सेप्टर के बीच में, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ और यहाँ बन गया N और H, और यहाँ पे भी H और H, ऐसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, ये डोनर है, एक्सेप्टर है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। और अब पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन, अब देखिए, अब जो बॉन्डिंग हुआ, जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिएगा यहाँ पे ये है सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये हो गया sp3, परफेक्ट sp3, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी है परफेक्ट sp3, दोनों साइड एकदम परफेक्ट sp3 होगा, टेट्राहेड्रल जो प्रोडक्ट बना उसका सेप टेट्राहेड्रल सेप, तो आप नोट कर लेंगे, ये पढ़ा हुआ हम लोग का, टेट्राहेड्रल सेप। बोथ बोरन एंड नाइट्रोजन,
सो बोरोन और नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 है और टेट्राहेड्रल शेप हुआ। फाइव हो गया, सिक्स, सिक्स में डाइबोरेन आपको पढ़ना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम डिफरेंट है थोड़ा बॉन्डिंग उसमें। डाइबोरेन सिक्स, सिक्स है डाइबोरेन, डाइबोरेन B2H6 इसको बोलते हैं, B2H6 डाइबोरेन, B2H6 या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं BH3 का होल ट्वाइस। सो BH3 और प्लस BH3 दो बार आ गया, दो BH3 B2H6, तो डाइबोरोन, डाइबोरेन इसको बोलते हैं, डाइबोरेन, डाई बोरेन, ANE बोरेन, अल्केन जस्ट लाइक अल्केन डाइबोरेन। तो B2H6 के बारे में आपको जानना है, B2H6 काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। देखिए देखिए B2H6 जनरली आप क्या बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल हिसाब से बॉन्ड करूं, बात करूं कि HF का, HF के लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कि ये 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4 और 5, 6 और 7 ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं दोनों लोग, ठीक है, दोनों लोग एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और शेयरिंग करने के बाद कुछ ऐसा बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ और ऐसे शेयरिंग करके इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, चेक कर लीजिए, इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसको डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। सिंपल बॉन्डिंग ऐसे ही तो बॉन्डिंग होता है, तो HF में ऐसे बोलते हैं कि H और F और एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन का है और शेयरिंग, ये शेयरिंग करके ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, ये HF है। सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल पहले हम लोग बॉन्डिंग सीखते हैं, तो HF ऐसे, ये इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं साइंस में 2E2C बॉन्ड, आप समझिए, फिर उसके बाद मैं B2H6 समझाता हूं, पहले 2E2C का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेंटर बॉन्ड, 2 सेंटर है, 2 एटम है, 2 एटम इनके बीच में शेयरिंग हो रहा है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो जनरली यही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और 2 एटम है तो इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेंटर बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, ये सब लोग जानते हैं। सबसे छोटा बॉन्डिंग ये HF शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है 2 एटम के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, सिंपल सा। B2H6 एकदम अलग है, एकदम अलग है, वो एकदम रेयर फिगर है जो कि साइंस में अलग टाइप का फिगर बनाता है। देखिए B2H6 का बॉन्डिंग ऐसा, हाइड्रोजन बोरन और हाइड्रोजन, फिर यहां पे बोरन, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये एकदम रेयर बॉन्ड है, एकदम वेरी वेरी रेयर बॉन्ड, वो बहुत कम आपको मिलेगा साइंस में। यहां पे है ऐसे बनाना है और H, और यहां पे ऐसे बनाना है और यहां H लिखना, ये बॉन्ड बहुत रेयर है, ये B2H6 का जो ये फिगर देख रहे हैं वेरी रेयर बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 3 एटम्स, ये
टू इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन थ्री एटम्स, रेयर बॉन्ड, ये कॉमन है, ये तो सब कॉमन बॉन्ड है, मोस्ट कॉमन बॉन्ड यहां है, इसको बोल सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम्स, ये कॉमन बॉन्ड है, ये टू इलेक्ट्रॉन टू सी बॉन्ड है, बट ये टू इलेक्ट्रॉन थ्री सी बॉन्ड है, टू इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन थ्री एटम, तीन एटम, एक बोरन हाइड्रोजन बोरन, ये टू इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन थ्री एटम, ये रेयर बॉन्ड है, एकदम अलग यूनिक बॉन्ड है आपका, कई नाम इसको बोला जाता है, ब्रिज बॉन्ड, पुल है, पुल की तरह लग रहा है, बनाना बॉन्ड, बनाना सेप, केला, केला जो सेप है बनाना, उस सेप का दिखता है आपको, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, या टू इलेक्ट्रॉन टू ई थ्री सी बॉन्ड बोलते हैं, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सी बॉन्ड बोलते हैं, एकदम रेयर है, डिफरेंट बॉन्ड है आपका, ठीक है। तो ये बी टू एस एक्स का बॉन्डिंग यूनिक बॉन्डिंग है, जो भी इसके बारे में जो कुछ जानते हैं हम लोग, मैं प्लानिंग करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा, आप नोट करें फिगर पहले। तो इस बॉन्ड को एकदम यूनिक बॉन्ड आपको बी टू एस सिक्स में दिखेगा, और इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे, जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है बनाना बॉन्ड, और ब्रिज बॉन्ड, या टू ई थ्री सी बॉन्ड, टू ई थ्री सी बॉन्ड, टू ई थ्री सी का बॉन्ड का पूरा नाम लिखेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स, थ्री सेंटर बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, ये टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, ये बॉन्ड जबकि वही है, ये जो आपने वहां लिखा है, इस बॉन्ड का नीचे देखेंगे तो टू इलेक्ट्रॉन टू सी बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है वो जो आप कॉमन बॉन्ड है एच एफ एच सी एल या कई जगह पढ़ते हैं वो बॉन्ड है, बट ये रेयर है, ये इस जो ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, पुल बनाने वाला बॉन्ड या बनाना शेप का बॉन्ड है वो हुआ, या टू इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन थ्री एटम्स, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सी बॉन्ड, ये ऐसे लिखा जाता है। अब इसके बारे में जो जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग स्टडी करते हैं बी टू एच सिक्स के। थर्ड, ये फिगर, इसमें हाइब्रिडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडेशन जो स्टार्टिंग में बी टू एस सिक्स आया था, बी टू एस सिक्स का हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp3, इस बॉन्ड को आपको इमेजिन करना है जस्ट लाइक अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन इन बी टू एस सिक्स, तो ये जो फॉर्मूला हुआ बी टू एच सिक्स, बी टू एस सिक्स में हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन sp3, सो ये है हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन, ये है sp3, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये हाइब्रिडेशन sp3 है आपका, ठीक है। नाउ उस हाइब्रिडेशन sp3 के चलते ये थोड़ा सा बॉन्ड एंगल, ये ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है, ये एकदम परफेक्ट नहीं, ये नहीं कि सिमेट्रिकल फिगर है 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है, तो इसके चलते ये वाला 120 डिग्री बॉन्ड एंगल चला जाता है और ये वाला बॉन्ड एंगल 95 डिग्री में चला जाता है, ऐसे, तो टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल, यानी कि बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल। तो जो जो प्रॉपर्टी है हम लोग डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडेशन पूछा हुआ है कि sp3, यहां पे हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन, सो बोरन का हाइब्रिडेशन देखेंगे तो हाइब्रिडेशन बोरन का sp3। नेक्स्ट,
ये बॉन्ड लॉन्गर बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं कि बोरन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो होगा लॉन्गर बॉन्ड कंपेयर टू ये बॉन्ड जो है वो शॉर्टर बॉन्ड है। लॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड बोरन हाइड्रोजन। सो फोर बॉन्ड है, फोर बोरन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जो टर्मिनल वाला है, जो टर्मिनल किनारे किनारे देख रहे हैं, वो बॉन्ड जो हुआ टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। ठीक है, सो ऐसे लिखेंगे। सब सब क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन है फोर बोरन हाइड्रोजन बॉन्ड वो है टू इलेक्ट्रॉन और टू सेंटर बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड, और जो टू बोरन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बोरन हाइड्रोजन बॉन्ड, बोरन हाइड्रोजन बोरन ऐसे बॉन्ड, जो दो बॉन्ड ऐसा है, दो बॉन्ड इस तरह से बोरन हाइड्रोजन बोरन, जिस बॉन्ड का नेचर है टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। हो गया, ये जो बॉन्ड है वो टर्मिनल बॉन्ड है, ये चार टर्मिनल बॉन्ड है। टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी पूछा जाता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो आप चेक कर लीजिए। यहां पे आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन यूज या 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज इन बॉन्डिंग ऑफ डायबोरिन, डायबोरिन के बॉन्डिंग में 12 इलेक्ट्रॉन। Used in bonding of diborin. So 12 valence electron, 12 electron जो है वो use करते हैं bonding में वहां पे diborin पे। और क्या क्या बॉन्डिंग से आप निकाल सकते हैं? बॉन्डिंग में ये हाइब्रिडेशन हो गया, और हाइब्रिडेशन के चलते ये जो हाइब्रिडेशन देख रहे हैं sp3 के चलते आप बोल सकते हैं नॉट प्लेनर, sp2 होता तब ना प्लेनर होता, बट इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3 तो आप बोलेंगे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर, प्लेनर नहीं है sp3। आप जानते ना sp3 कुछ इस टाइप का हो गया, ऐसा हो गया sp3 कुछ ऐसा हो गया, तो ये प्लेन में कहाँ आया? प्लेन तो तब रहता एक ही कॉपी में सब एटम बैठे रहता, तो ये भी पूछा जाता है कि ये नॉट प्लेनर या नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो जो भी आप फिगर देख रहे हैं, फिगर से जो जो रिलेशन आपको आ रहा है, जो जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वो आप यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। हर लाइन इसका क्वेश्चन है। 6 7 यहाँ आपने देखा कि हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन, ऑफ बोरन, सो बोरन का जो हाइब्रिडेशन है sp3 है, और sp3 का शेप जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, लोन पेयर रहा तो पिरामिडल हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ, फिर भी ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। सो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर नहीं है,
फोर हाइड्रोजन, ऐसे बोल सकते हैं कि फोर बोरन हाइड्रोजन एटम आर लाइज इन अ वन प्लेन, जैसे ये बोरन हाइड्रोजन, ये बोरन हाइड्रोजन, ये फोर बोरन हाइड्रोजन बॉन्ड लाइज इन अ वन प्लेन, बट ये नहीं, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, तो आप बोल सकते हैं नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। सो यहां लिख सकते हैं फोर हाइड्रोजन बोरन बॉन्ड्स, टर्मिनल बॉन्ड कर सकते हैं। In BH3 lies in one plane. So terminal जो है वो एक plane में lie करेगा, but overall molecule planar नहीं है। अच्छा आप देखिए figure देखिए बताइए, ये molecule तो symmetrical है, symmetricity तो दिख रहा है, जैसा लेफ्ट साइड है वैसा राइट साइड है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, अगर symmetrical है तो dipole moment क्या हो गया, जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो होगा ना इसका, ठीक है, डायपोल मोमेंट जीरो होगा, उससे रिजल्ट निकालिए। सो नाउ एट बी टू एच सिक्स जो है आपका एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, आप फिगर से वहां से पता चल रहा है कि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है म्यू, उसका डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो, सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। और डायपोल मोमेंट का मतलब हुआ चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, सो चार्ज जो हो गया वो जीरो हो गया, और चार्ज जीरो होने के चलते ये नॉन पोलर कर सकते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो चार्ज जीरो है तो चार्ज जीरो के चलते इसको आप बोलेंगे कि ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, नॉन प्लेनर, दोनों अलग चीज है, नॉन प्लेनर अभी है, sp3 के चलते नॉन प्लेनर आया था, नॉन पोलर एंड आप लिख सकते हैं, ये अलग टर्म है, नॉन पोलर एंड नॉन प्लेनर भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं दोनों अलग है, देखने में लगता है कि जैसा सुनने में कि नॉन पोलर, नॉन पोलर अलग टर्म है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर इसलिए आया कि यहां नॉन पोलर किस लिए आया, तो नॉन पोलर आया डायपोल मोमेंट जीरो, एंड नॉन प्लेनर क्यों आया, तो नॉन प्लेनर sp3 के चलते कोवेलेंट है, कोवेलेंट क्योंकि सारा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, बोरन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट B2H6 का प्रॉपर्टी में आपका ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, B2H6 को आप लिख सकते हैं BH3 और प्लस BH3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसीलिए तो नाम पड़ा इसका डाई, डाई दो है, और बोरेन, ठीक है। तो आप अभी पढ़े थे BH3 तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, और उसी का डाइमर फॉर्म है, ये डाइमर कर दिया मैंने, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, तो जो आप पढ़ रहे हैं B2H6 में ये जो बोरन है, बोरन वो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं साइंस में लुइस एसिड कहलाता है, तो ये भी लुइस एसिड की कैटेगरी में आएगा। सो आप लिख लेंगे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मॉलिक्यूल, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मॉलिक्यूल होता है वो सब साइंस के लुइस एसिड में आता है, तो ये भी लुइस एसिड है।
सो उसमें पूछा जाता है कितने टर्मिनल हाइड्रोजन, कितने ब्रिजेज हाइड्रोजन। तो पुल बनाने वाले हाइड्रोजन हैं दो, दो हाइड्रोजन हैं जो पुल बना रहे हैं और चार हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो हो गया है, इसमें अब सारा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टेन कंटेन फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, एंड टू ब्रिजेज हाइड्रोजन एटम। सो दो पुल बनाने वाले हैं और चार जो है वो टर्मिनल। सो बनाना बॉन्ड एकदम रेयर बॉन्ड है, यूनिक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड और टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, ये B2SH से मिलता है। और एक एग्जाम्पल है जो BeH2, वो भी पॉलीमर फॉर्म है, ठीक है। सो वो भी आप एक जगह बना सकते हैं कि वहाँ भी बनाना बॉन्ड आपको मिलता है छोटे कंपाउंड में, बट रेयर है, बहुत रेयर है। सो पॉलीमर फॉर्म, पॉलीमर फॉर्म ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। तो पॉलीमर फॉर्म ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड बीई है और H2 है, BeH2 ये है बेरिलियम और हाइड्राइड है बेरिलियम हाइड्राइड BH2। और इसी को पॉलीमर कर देंगे तो पॉलीमर फॉर्म ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, जैसे ही एन कर देंगे तो पॉलीमर फॉर्म ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड में इसमें ब्रिजेज बॉन्ड, यहां भी एक बनाना बॉन्ड ब्रिजेज बॉन्ड आता है इसमें भी, ठीक है। सो फिगर में बना दो, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत रेयर है, ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, ये एकदम रेयर है। तो एक यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी आपको बॉन्डिंग दिखते मिलता है आपको। और कैसे बनेगा फिगर, तो देखिए यहाँ पे बेरिलियम हो, नेक्स्ट बेरिलियम, नेक्स्ट बेरिलियम, फिर यहाँ बेरिलियम हुआ, ऐसे बेरिलियम मैंने कर दिया, बहुत सारा बेरिलियम ऐसे। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो हुआ वो ऐसे, तो पॉलीमर फॉर्म में ये, यहाँ पे ब्रिजेज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, वही टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, यहाँ भी साइंस में मिलता है ऐसे, पॉलीमर फॉर्म में है तो रेयर बॉन्ड है, इसलिए आपको थोड़ा सा आपको स्टडी करना है इस बॉन्ड के बारे में। मेन हम लोग सिलेबस में डाइबोरेन ही था, डाइबोरेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बट और भी साइंस में जहाँ मिलता है वो आप एक बेरिलियम हाइड्राइड का पॉलीमर फॉर्म है। पॉलीमर है, आप ऐसे बना के इस तरह से छोड़ देंगे ऐसे, इस साइड भी कर लेंगे। ये है पॉलीमर फॉर्म ऑफ द बेरिलियम हाइड्राइड। तो बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 का एन फॉर्म पॉलीमर फॉर्म है। तो ये बॉन्ड जो देख रहे हैं ये वही बॉन्ड हो गया जो अभी आपने पढ़ा था, बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, या फिर आप जो अभी पढ़े थे टू इलेक्ट्रॉन और थ्री सेंटर बॉन्ड। सो टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, ये तो बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड या टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। तो ये है आपका डाइबोरेन जो 11 पॉइंट है, सारा क्वेश्चन ही। नेक्स्ट,